Hello everybody, welcome again in Sakshi Gopala chemistry classes. This video class is basically a quick revision class for DSSB students who are appearing for the PGT exam. Now today in this video class we are going to discuss few important points from the chapter biomolecules. Ek ek karke hum fatafat se revise karte hain. First is the glycosidic linkage. तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज बेसिकली अ इथर लिंकेज होता है एंड इथर लिंकेज इट इज इथर लिंकेज. द सेकंड वन इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज दे आर कॉल्ड एज दी एनोमर्स. दे आर एनोमर टू ईच अदर. ठीक है. थर्ड है अमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च. अमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च इज अ बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन वन कार्बन फोर एंड इट इज अल्फा लिंकेज. आपको याद करने की ट्रिक है A for amylose, A for alpha. So, A for amylose, A for alpha. Amylose में alpha linkage होगा between C1 and C4. Code याद रखिए 1414. ठीक है. Next one is cellulose. Now cellulose, D-glucose units, they are joined by beta linkage. Beta 1 for glycosidic linkage. ठीक है. Linkage कहाँ पे होगा? Carbon 1 and carbon 4 पे. But amylose अल्फा लिंकेज एंड सेल्युलोसिस बीटा. अमाइलोज अल्फा एंड सेल्युलोसिस बीटा. कमिंग टू द नेक्स्ट वन अबाउट द ज्विटर आयन अमीनो एसिड दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द ज्विटर आयन फॉर्म. ज्विटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें पूछा जाता है अबाउट द बेसिक ग्रुप एंड द एसिडिक ग्रुप. सो बेसिक ग्रुप इज COO- माइनस ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप इज NH3 प्लस ग्रुप. बेसिकली सी वॉट हैपन द COOH प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड एसिडिक ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड इट डोनेट्स एच प्लस आयन एंड दैट एच प्लस इज एक्सेप्टेड बाय द NH2 ग्रुप. ठीक है. सो दिस एक्ट एज एन इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट एच प्लस. सो NH3 प्लस बिहेव्स लाइक एन एसिडिक ग्रुप. दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई एक्सप्लेन यू इन द लेटर क्लास. ठीक है. सो अभी याद रखिए कि ज्विटर आयन होता है उसमें एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप. बेसिक ग्रुप इज COO- माइनस ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप इज NH3 प्लस ग्रुप. नाउ कमिंग टू द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन का जिससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीनेचुरेशन. एंड डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन का सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है, वो टूट जाता है. इसीलिए वी कॉल दैट वन एज अ डीनेचुरेशन. तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज रिलेटेड विद सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इट रिफर्स टू फोल्डिंग पैटर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है. लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स. देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है. इट प्रोवाइड बेसिकली द फोल्डिंग पैटर्न. जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो किस एंगल में फोल्डेड है एंड इट गिव राइज टू द स्ट्रक्चर बेसिकली अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड चेन. ठीक है. तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया. प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है फिर. सीक्वेंस इन विच अल्फा अमीनो एसिड दे आर लिंक टू वन अनदर. सो अब हमने ये चीज पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इट गिव राइज टू द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा. ठीक है. एंड डीनेचुरेशन लीड्स टू डैमेज इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. देन कम टू द नाइन्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड. वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड बिकॉज अमीनो एसिड जो होता है दे एग्जिस्ट इन द ज्विटर आयन फॉर्म. जो ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो डायपल डायपल इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. उसकी वजह से जो अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है. देन फाइनल एंजाइम्स दे आर बेसिकली द प्रोटीन विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. अमीनो एसिड दे आर बेसिकली प्रोटीन विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. सो दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ सम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर बायो molecules. I hope students this is going to benefit all of the applicants of DSSB. Thank you.